छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ इंदौर पहुंचे, जिसके बाद द मैग्निफिशेंट एमपी आयोजन में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अब तक हुई समिट में हजारों करोड़ की एमओयू साइन हुए, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला, परंतु इस बार समिट का परिणाम धरातल पर नजर आएगा। इस दौरान उन्होंने कहा, कांग्रेस के इकलौते सांसद के तौर पर शिरकत करने पहुंचा हूं। बोले, प्रदेश में ऑटो, फार्मा और टूरिज्म सेक्टर में है, निवेश गारंटेड है, साथ ही देश में आर्थिक मंदी सबके सामने, मध्य प्रदेश में आर्थिक मंदी का प्रभाव न पड़े इसका प्रयास करेंगे, करना चाहिए। देखिए, पिछले कई सालों से यही समिट पिछली सरकार कर रही थी, हजारों करोड़ रुपए के एमओयू साइन होते थे, कोई नया निवेश मध्य प्रदेश में आया नहीं। आप देख रहे हैं कि इस बारी का जो ये सम्मेलन है, ये किस प्रकार से पिछले सालों में सम्मेलन हुए हैं उनसे अलग है, और मेरा विश्वास ये है कि इस सम्मेलन के बाद मध्य प्रदेश में बहुत सारा निवेश आएगा। आप कौन कौन से सेक्टर को फोकस कर रहे हैं, क्या लगता है? इंडस्ट्रियलिस्ट बन के आए हैं? मैं इंडस्ट्रियलिस्ट के तौर पर नहीं आया, मैं कांग्रेस का लौटा सांसद मध्य प्रदेश के नाते आया हूँ, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि यहाँ ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर और टूरिज्म सेक्टर में निवेश गारंटीड है। अच्छा, आर्थिक मंदी का दौर इस समय देश में है, ऐसे में बड़ी जो है प्रयास कमलनाथ जी के द्वारा किया जा रहा है कि 2 लाख कम से कम रोजगार उत्पन्न हो प्रदेश में, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, आर्थिक मंदी जो देश में है वो सबके सामने है, हमारी कोशिश ये रहेगी मध्य प्रदेश में कि ये आर्थिक मंदी जो पूरे भारत देश में है उसका प्रभाव मध्य प्रदेश में नहीं पड़े। 370 धारा को लेकर कुछ बोलना चाहेंगे जी? ये निवेश का सम्मेलन है, 370 का नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।